120 वाट 160 वाट 200 वाट तक का चार्जर हमारे फोन्स के साथ अब आने लगा है। जी हाँ, इतने फास्ट चार्ज, इतने ज्यादा क्विक चार्ज से हमारा फोन तुरंत चार्ज होता जाता है, लेकिन तुरंत चार्ज होने के साथ साथ उसमें जो बैटरी ड्रेन होता है वो अभी काफी ज्यादा जल्दी से हो जाता है। हमारा फोन बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं देता है, और सिर्फ बैकअप ही नहीं, जो हमारे फोन की जो बैटरी लाइफ होती है वो अभी काफी ज्यादा घट जाती है। जी हाँ, उसको इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने फोन को स्लो चार्ज करने की कोशिश करें। यानी कि स्लो चार्ज करने पर हमारा बैटरी क्या होता है कि वो धीरे धीरे चार्ज होता है और धीरे धीरे वो बैटरी ड्रेन होता है। जैसे कि आप लोग आईफोन में देखते होंगे कि आईफोन में कभी भी फास्ट चार्ज का ऑप्शन नहीं होता है, उसमें कभी भी देता है तो 10 वाट 5 वाट 15 वाट तक का ही फास्ट चार्ज होता है, उससे ज्यादा चार्ज वो सपोर्ट नहीं करता है। और इसीलिए आईफोन्स की बैटरी बैकअप या तो फिर बैटरी लाइफ जो होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, काफी ज्यादा होती है हमारे नॉर्मल जो फोन होते हैं उससे। और हमारा जो आईफोन होता है वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज भी होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा फास्ट चार्ज करने पर आपका फोन खराब हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कभी कभी अगर आपको अर्जेंट कहीं जाना हो तो आप फास्ट चार्ज का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें मान लीजिए कि आपका फोन का बैटरी 10% या 20% है और आपको कहीं अर्जेंट निकलना है 10 मिनट के अंदर, तो आप तुरंत फास्ट चार्ज का इस्तेमाल करके और तुरंत आप निकल सकते हैं, ताकि आपका फोन चार्ज ही रहेगा, कम से कम चार्ज तो रहेगा। उस कंडीशन में आप फास्ट चार्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादातर फास्ट चार्ज का इस्तेमाल ना करें। अगर आप रात को सोते उस समय चार्ज लगा करके सोते तो उसमें ट्राई कीजिए 5 वाट या तो 10 वाट का चार्जर यूज करें, क्योंकि रात भर में आपका बैटरी ऐसे भी फुल चार्ज होने वाला है, जो 10 मिनट में चार्ज हो 3 मिनट में चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, रात में सोना है और आराम से वो चार्ज होता रहेगा। लेकिन उसमें फास्ट चार्ज का इस्तेमाल करना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फास्ट चार्ज से हमारा बैटरी लाइफ भी घटता है और बैटरी बैकअप भी घटता है। आजकल बहुत सारे फोन में चार्जर नहीं देते, जी हाँ, मोबाइल के साथ चार्जर नहीं देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा चार्जर लें जो उसके साथ कंपैटिबल हो। देखिए, अगर आपके नॉलेज में ना हो तो आप जिस जगह पर शॉपिंग करने के लिए जहाँ पर आप मोबाइल खरीद जाते हो, आप वहाँ पूछ सकते हो कि इस मोबाइल में कितने वोल्टेज का चार्जिंग सपोर्ट लेता है। अगर वो भी नहीं बता पाए तो आप ट्राई करें कि मिनिमम से मिनिमम जो कि कम से कम वोल्टेज का हो, यानी कि 5 से 10 वाट, 15 वाट तक ही, मैक्सिमम 15 वाट 18 वाट तक ही आप फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि वो आपके फोन की बैटरी का लाइफ डिक्रीज करता जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है। फोन में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि उसमें क्या होता है कि वो ट्राई करते हैं कि अपने फोन को बैटरी को फुल चार्ज करें और फिर वो फुल ड्रेन करते हैं, यानी कि फुल डिस्चार्ज करें। ऐसा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है बैटरीज के लिए। नॉर्मली सबको सोचते हैं कि उसमें फोन के बैटरीज में कि फुल चार्ज करें और फुल डिस्चार्ज करें, तो उससे क्या होता है कि फोन का बैटरी लाइफ बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फोन का बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम अपने फोन के बैटरी को 20-90% के बीच में रखें, यानी कि नॉर्मली जो कंपनीज आइडल जो चार्जिंग बताती है वो 30-80% तक ही बताती है, लेकिन हमें चाहिए कि 20-90% मिनिमम उसको मेंटेन करें, ना तो 20% से कम होने दो और ना ही 90% से ज्यादा होने दो, जिससे हमारा बैटरी लाइफ बढ़ते रहता है। हम सोचते हैं कि बार बार उसे चार्ज में डालना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, उससे हमारा बैटरी बैकअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, बहुत ज्यादा अगर बैटरी लो हो जाता है तो उसमें बैटरी का बैठने का या बैटरी खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा ना करें, कभी अपने फोन को 20-90% तक ही चार्ज रखें, उससे ज्यादा ना उससे कम, कोशिश करें कि इसके बीच में वो अपने चार्ज करें। ऐसा जरूरी नहीं कि 50% में चार्ज करने पर बैटरी खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आराम से 50% में 60% में अपना बैटरी चार्ज कर सकते हो और कहीं बाहर निकल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप बजट फोन यूजर हैं, अगर बजट मोबाइल यूजर हैं, तो आप कभी भी ट्राई करें कि जो उस फोन के साथ जो पार्टिकुलर चार्जर आए, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चला हुआ वूक चार्जर जो कि काफी ज्यादा फास्ट चार्ज करता है हमारे फोन को, तो वह मोबाइल उस चार्जर के लिए सपोर्टिव होता है। हर मोबाइल के लिए वो कंपेटेबल नहीं होता, लेकिन उस पर्टिकुलर मोबाइल के लिए वो कंपेटेबल होता है। ट्राई करें कि उसी मोबाइल को उस चार्जर से चार्ज करें और दूसरा चार्जर से उस मोबाइल को चार्ज ना करें, उससे हमारी बैटरी लाइफ भी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। हाँ, काफी अगर कभी कभी हमारे फोन में बहुत फास्ट चार्जर हो, जैसे कि 120 वाट 160 वाट, तो आप ट्राई करें कि उसी कंपेटेबिलिटी को लेकर के कम पावर वाला चार्जर ही इस्तेमाल करने को कोशिश करें, ताकि आपका बैटरी का लाइफ इंक्रीज हो सके। गाइस, आपने बहुत सारे सुने होंगे कि मोबाइल को चार्जिंग में ला करके फोन ना करें, बात ना करें, उसको छेड़ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बहुत सारे तो ये भी मिथ बनाते हैं कि फोन को चार्ज लगाकर छेड़ने पर या उससे बात करने पर उसका फोन ब्लास्ट हो जाएगा, जी हाँ, उसका बैटरी ब्लास्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे पुराने फोन जो रहते थे, जो लिथियम आयन बैटरी ज्यादा एडवांस नहीं थे, उनमें होता था कि अगर बैटरी चार्ज हो जाए फिर भी वो चार्ज लेते रहता था और बैटरी कभी बहुत ज्यादा हीट होता था, ओवर हीट होता था, ब्लास्ट भी हो जाता था, तो ये पहले होता था। लेकिन आज के जमाने में जो बैटरीज है वो काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं और उसमें ऐसा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बस चार्ज लगा करके उसमें यूज ना कर सके, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आजकल के बैटरीज काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी
अच्छा खासा छेड़छाड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसमें ये मिथ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फोन को चार्ज लगा करके कॉल ना करें, वीडियो कॉल, सारा कुछ काम कर सकते हो आप। और बैटरी इंक्रीज करने का एक और तरीका है कि आप जब अपने कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो उसको बैकग्राउंड से हटा दे, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसको मिनिमाइज कर देते हो। मिनिमाइज करने के बाद क्या होता है कि वह एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो उस चीज को वहां से डिसेबल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड में चलते हुए आपका डाटा, बैटरी, आपको प्रोसेसर, काफी सारी चीजें यूज करता रहता है। तो उसको वहां पर से बैकअप से हटा देने के बाद आपका बैटरी लाइफ भी इंक्रीज, क्योंकि उसको हटाने पर प्रोसेसर है वह भी काफी ज्यादा हद तक वो कम परफॉर्म करने लगेगा, तो उससे हमारा बैटरी बैकअप भी बढ़ता है और बैटरी लाइफ भी काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। और भी मोबाइल में काफी ज्यादा फीचर्स दिए होते हैं जो कि नॉर्मली यूजलेस होते हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्मली अगर मोबाइल सर्फिंग कर रहे हैं या डाटा सर्फिंग कर रहे हैं या तो फिर नेट चला रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार का 120 FPS स्पीड की हमें किसी भी जरूरत नहीं होती, जो कि हमारा बैटरी को काफी ज्यादा ड्रेन करता रहता है। हालांकि फोन्स में एडॉप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन होता है, लेकिन वह कभी कभी अगर काम नहीं करता है तो हमें 120 FPS से हटा करके 60 FPS या तो फिर हमारे फोन में होता है हैप्टिक फीडबैक। यह हैप्टिक फीडबैक जो होता है उसमें मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी बैटरी को काफी ज्यादा चूसते रहता है, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी बैटरी को काफी ज्यादा खींचते रहता है और हमारा बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है। तो उस चीज को हम डिसेबल कर सकते हैं, 120 FPS को कम कर सकते हैं, जब हमें 120 FPS की रियल में बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस समय हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों से हम अपने बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं, बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका बैटरी बैकअप बढ़ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।